वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 19, जो कि है 17 अगस्त की क्लास 9th की। हम देखेंगे इसके अंदर हम तीनों सब्जेक्ट की वर्कशीट देखेंगे, मैथ्स, साइंस और फिर हिंदी। तो आज की जो वर्कशीट है जो मैथ्स से रिलेटेड है वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो बहुत ही मजा आने वाला है। लाइंस एंड एंगल्स जो है करके देखने वाला टॉपिक है, तो जरूर आप इसको करके जरूर देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बोला है कि ये जो फिगर है, फिगर नंबर 1, उसके अंदर कॉमन वर्टेक्स क्या है। कॉमन वर्टेक्स, पहली बात तो एक जो एंगल होता है उसमें ये वाला जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन वर्टेक्स है वो आपके सामने दिखाई दे रही है, वो है बी। तो हम यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे बी लिख देंगे। नेक्स्ट आता है कॉमन साइड। जैसे कि आपको पता है कॉमन, तो यहाँ पर अगर ये वाला एग्जाम्पल ले एंगल का, तो ये एक साइड है जिसको हम आर्म भी बोलते हैं और ये दूसरी आर्म है। तो यहाँ पर ये एक एंगल है और ये एक दूसरा एंगल है, तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो ये वाला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में जो है बी डी, तो हम यहाँ पर बी डी लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पहले दो पॉइंट समझ में आ गए, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड। अब इस टाइप के जो एंगल को देखो, ये एक एंगल बन रहा है एंगल 1 और ये एक एंगल बन रहा है एंगल 2। तो ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों कंडीशन मिलती हो जिसके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन साइड हो, जिसको हम कॉमन आर्म भी बोलते हैं, उस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जरा मैं इसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। एडजेसेंट एंगल होता क्या है? सपोज करो आप मूवी देखने गए हैं, तो आप बैठे हैं बीच में और आपके लेफ्ट साइड पे यहाँ पर कोई बंदा आके बैठ गया, तो आप और आप इस बंदे के बीच में एक चेयर का जो होता है कॉमन आर्म हो जाता है, तो इसलिए आपको इस बंदे को बोल सकते हैं ये मेरे एडजेसेंट है। उसी तरीके से इधर भी हो सकता है एडजेसेंट। तो एडजेसेंट होता है साथ वाला। आप स्कूल में जा के चेयर पे बैठते हैं, चेयर में आपके जो साथ दोस्त बैठा होता है उसे कहते हैं एडजेसेंट। तो उम्मीद करता हूँ एडजेसेंट का मतलब समझ में आया होगा। तो कभी भी भूल जाए तो आप इस कहानी को थोड़ा सा याद रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें सेकेंड फिगर में बोला है नेम द एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल बोलना है, एडजेसेंट एंगल है पी क्यू एस, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एंगल पी क्यू एस। ठीक है, और दूसरा एंगल क्या है, एंगल एस क्यू आर, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल एस, एंगल का निशान जरूर बनाएं, एस क्यू आर। तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। अब ये पर्टिकुलर फिगर के अंदर ये जो एंगल बन रहा है पी क्यू आर, ये जो बड़ा वाला एंगल जो बन रहा है ये वाला, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। जब दो एंगल का सम जोड़कर एक 90 डिग्री मतलब राइट एंगल बन जाए, तो उस टाइप के एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो दो चीजों में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक दूसरी होती है सप्लीमेंट्री एंगल। मैं तो इसको इस तरीके से याद रखता हूँ, जैसे एबीसी में, एबीसी जो अल्फाबेट्स हैं हमारे, उसमें सी पहले आता है या एस पहले आता है? देखो सी पहले आता है ना, उसके बाद जाकर एस आता है कहीं पर, और काउंटिंग में भी 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 और सप्लीमेंट्री हो गया 180। ये जो ना थोड़ा सा टाइप करने में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करें। तो ये समझ में आ गया कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो 180। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, जो एडजेसेंट हो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और सम ऑफ टू एंगल इज सप्लीमेंट्री जब वो 180 का सम होता है उनका। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी देख लीजिए, इन द थ्री फिगर 3 नेम द एडजेसेंट एंगल्स। अब यहाँ पे एम एन ओ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल एम एन ओ, एम एन ओ। ठीक है,
मेक श्योर एंगल का निशान जरूर बनाए। तो मैं पहले इस तरीके से लिख रहा था। दूसरा एंगल क्या है? ओ एन पी, ओ एन पी, ठीक है, ओ एन पी। तो एंगल का निशान जरूर बनाना, जैसे मैं पहले बना रहा था ये वाला एंगल का निशान। अब इन दोनों का सम देखो, सीधी लाइन बन रही है ना इन दोनों को जोड़ने के बाद। सीधी लाइन बनते ही एंगल का सम हो जाता है 180 डिग्री, और डिग्री के ऊपर जो है जीरो पावर में जरूर डालना ही है, ऐसे करके पावर में ऊपर आएगा। तो ये हो गया आपका, ये वाले फिल द ब्लैंक्स भी। आगे चलते हैं। जब ये लाइन एकदम सीधी बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ध्यान रखें ये चीज। तो कुछ टर्म्स हमने इसमें सीखी, मैं फिर दोबारा जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। पहली टर्म हमने सीखी इसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल साथ में जुड़े हुए हों तो उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब दोनों एंगल अगर 90 डिग्री पे हों तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों एंगल क्या हो, 180 डिग्री के हो, तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और इसी चीज को ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं लीनियर पेयर। तो घबराए नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड, तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। आइए चलते हैं ये प्रैक्टिस वर्कशीट की तरफ। पहला है राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन। तो 70 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो मुझे बताओ आप 70 के अंदर क्या प्लस करेंगे ताकि हमारे पास आ जाए 90। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है, डिग्री जरूर लिख देना। 45 के अंदर क्या प्लस करेंगे? तो 45 करेंगे। 40 के अंदर क्या प्लस करेंगे? 50 करेंगे। और 60 के अंदर क्या करेंगे? 30 करेंगे। तो ये सब हो गए इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या होता है? 190 बनाने के लिए। 100 के अंदर क्या करेंगे? 80 कर देंगे। 90 के अंदर क्या करेंगे? 90 कर देंगे। 60 के अंदर क्या करेंगे? 120। और 30 के अंदर क्या करेंगे? आप खुद सोचो, 30 के अंदर 180 बनाने के लिए 150। कैसे कर रहा हूं मैं मन में? मैं माइनस कर रहा हूं और कुछ नहीं। 180 माइनस 30, 150 हो गया। तो ये सारे के सारे आपको सेकंड क्वेश्चन तक हो गया। इन द गिवन फिगर फॉर नेम द एंगल्स फॉर्म्ड एज अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के साथ कौन कौन से बन रहे हैं? इन द फिगर फोर नेम द एंगल फॉर्म्ड एज अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? सीधी लाइन बनाने वाला। तो सीधी लाइन बनाने वाला देखो, ये है ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ठीक है। और इसके साथ कौन सा बन रहा है? ये देखो सी ओ बी, ऐसे याद रखते हैं, जहां से छोड़ते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं, सी ओ बी। तो ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर देखो दूसरी तरफ, बी ओ डी, तो यहाँ लिख देंगे बी ओ डी, एंगल का निशान बनाना ना भूले। और डी ओ ए, ये आ गया डी ओ ए। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। अब वो कह रहा है यहाँ पर ए ओ सी के अंदर क्या प्लस करूं कि 180 डिग्री आ जाए। ए ओ सी के अंदर क्या प्लस करूं 180 डिग्री आ जाए, मतलब सी ओ बी। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल सी ओ बी। इसके बाद ए ओ डी में, ए ओ डी में क्या प्लस करें? डी ओ बी। तो यहां पर आ जाएगा डी ओ बी। तो मैथ की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारी साइंस की वर्कशीट की तरफ। आज की हमारी जो 9th की साइंस की वर्कशीट है उसके अंदर हमारा टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो इंसान जो है, कोई भी इंसान हो आप या मैं या कोई भी, या जानवर भी, वो किससे बना हुआ है? सबसे छोटे यूनिट, जैसे हमने इससे पहले पढ़ रहे थे एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में, जो कोई भी चीज है मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। सबसे छोटी चीज उसकी एटम है, मतलब तोड़ते जाओ तो उसके अंदर से एटम निकलेगा। उसी तरीके से इंसान के अंदर, जैसे हम जो बने हुए हैं वो आंख, आंख नाक हाथ मुंह, इन सबसे मिले हुए हैं, लेकिन इसके अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं। अगर दिल, किडनी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अगर ना हो तो हम इंसान नहीं रहेंगे, हम जी नहीं पाएंगे, तो उसे कहते हैं ऑर्गन्स। अब ध्यान दें, ऑर्गन किससे बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं टिश्यूज से। टिश्यूज अगर जुड़ जोड़ के सेम काइंड ऑफ टिश्यू जब बनते हैं, जैसे सेम काइंड ऑफ टिश्यू बनेगा तो हार्ट बन जाएगा,
उसी तरीके से सेम काइंड ऑफ टिश्यू, सेम काइंड ऑफ टिश्यू बना के आपका लंग्स बना देगा। तो ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से। अब टिश्यू किससे बनते हैं? टिश्यू बनते हैं छोटे छोटे सेल से। हम बहुत सारे कई तरीके के सेल्स होते हैं, जैसे कहते हैं हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बगैर हमारी दुनिया, हमारी लाइफ नहीं चल सकती। इसे कहते हैं सेल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सबसे पहले जो सेल डिस्कवर करा था वो था रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने ये सेल डिस्कवर करा था, बट उन्होंने सेल डिस्कवर करा था डेड सेल। तो लाइव सेल जो डिस्कवर करा था, उसके 100 साल बाद ल्यूविक हुक ने आपका ये लिविंग सेल डिस्कवर करा था। उसके बाद जो सेल थ्योरी दी है वो शेल्डन एंड शॉन ने दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें से आ जाता है, रॉबर्ट हुक के बारे में आ जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान रखें। आगे चलते हैं। अब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। जो एक सेल से बना होता है उसे कहते हैं यूनि। यहाँ पे जो वर्ड है यूनि, यूनि का मतलब होता है सिंगल। यूनि जैसे मैथ में भी होता है ना, यूनिट, यूनिट होता है वन, वन सेल। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सारे के सारे सिंगल सेल से बने होते हैं। ये एक ही सेल से बने होते हैं और वैसे ही जीते हैं। जैसे इसके अंदर दूसरा सेल पैदा हो जाता है तो ये टूट जाते हैं, अपना बच्चा पैदा कर देते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर हो गया जैसे हम इंसान हो गए, जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा नर्व सेल, एक नर्व सेल हो गया, एक ब्लड सेल हो गया, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारे अंदर ही है। तो इस जो प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, ये सारे के सारे क्या है? मल्टी सेल्यूलर। ह्यूमन बींग भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। मैंने आपको बता ही दिया, सेल्स बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू बहुत सारे मिला के बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स अगर सारे सारे इकट्ठे मिल जाए तो एक बन जाता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम। ये आपका हो गया सिस्टम इसका। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पर मैंने डिस्कस कर रखा है। क्या सारे के सारे सेल एक जैसे होते हैं? नहीं, दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है बेसिकली। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। इसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है, सिंपल सेल होते हैं। इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तब इसको आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो एक सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जैसे ब्रेन होता है ना हमारा, उसी तरीके से उसका जो होता है ब्रेन होता है वो, तो उसके आसपास एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। प्रोकैरियोटिक में वो मेम्ब्रेन नहीं होती और यूकैरियोटिक में वो मेम्ब्रेन होती है। बस इतना सा एक मेजर डिफरेंस है। और यूकैरियोटिक सेल जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर और डिटेल्ड में होती है। तो ये हमने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। इसके बारे में इन्होंने डिफरेंशिएट भी बता रखा है बहुत ही अच्छे से कि उनका साइज क्या होता है, 1 to 10, और ये 5 to 10 ये बड़े होते हैं, न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है इसमें, न्यूक्लियर एब्सेंट होता है, बहुत बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। तो आप यहाँ से एक बार इनको पढ़ लें। नीचे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप की, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक बार इनको जरूर देखें। इसके बेसिस पे उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है और ऐसे कोई डिटेलिंग भी नहीं है इसके अंदर कि क्या इसके अंदर बताने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे लैब में जाकर, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट इसको जरूर पढ़ लें एक बार। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफाइन सेल। तो डिफाइन सेल आप ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ से कर लेंगे। ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल। उसके बाद द सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको मैंने जो रेड मार्क करा है, ये आपका हो गया पहला आंसर, ये आपका डिफाइन सेल का पहला आंसर हो गया। सेकेंड की तरफ चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये तो आपके सामने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से टेबल इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट आ गया आपका हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर है रॉबर्ट हुक ने दिया था फर्स्ट सेल।
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट करना थोड़ा ऊपर से। ऑल द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग आर परफॉर्म्ड बाय सेल ऑन द बेसिस लिविंग बींग्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स। यहाँ से लेके पूरा एग्जाम्पल भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी साइंस की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। आगे चलते हैं अपने हिंदी की वर्कशीट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब आपकी हम हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। ये वर्कशीट है आपकी कार्यपत्रक नंबर 19 यानी 19। तो इस वर्कशीट में आपका एक पार्ट है सांवले सपनों की याद, जो डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। मतलब कि ये एक मेमोरी पर बेस्ड है, जो आपकी यादें हैं उस पर बेस्ड है और डायरी शैली में लिखा गया है। जैसे डायरी राइटिंग होती है, आप डायरी में लिखते हैं, अपने मन की बातें लिखते हैं, तो उस फॉर्मेट में ये लिखा गया है ये पार्ट। उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको समझ आएगी और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आगे देखते हैं कि इस वर्कशीट में और क्या लिखा है। संस्मरण गद्य साहित्य की एक विधा या प्रकार है, जिसमें अपनी स्मृति या यादों को शाब्दिक अभिव्यक्ति दी जाती है। तो ये जो संस्मरण गद्य है, इसमें क्या होता है, आप अपनी यादों को, तो साहित्य का ये एक प्रकार है, साहित्य को लिखने का एक तरीका है ये। जैसे कि हम ट्रैवलॉग लिखते हैं, यात्रा का वृतांत लिखते हैं, हम कहीं गए तो वो लिखते हैं, या फिर हम कहीं कोई कहानी लिखते हैं, या हम कोई कविता लिखते हैं। तो ये सब साहित्य के अलग अलग प्रकार हैं, उन्हीं में से एक है संस्मरण गद्य, यानी कि जिसमें हम अपनी यादों को, अपनी स्मृति को शब्दों में लिखते हैं। तो हमारी यादें हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, उन्हीं को जब हम शब्दों में लिखते हैं तो उसे संस्मरण गद्य कहा जाता है। तो ये जो आपका पाठ है, इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने पर उन्हें याद करते हुए उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। तो ये जो पाठ है, उसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। और ये जो लेखक हैं, इन्होंने किसके बारे में लिखा है, इन्होंने लिखा है एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, तो ये जो है एक बर्ड साइंटिस्ट हैं सालिम अली, उनके बारे में जाबिर हुसैन ने लिखा है। तो जो सालिम अली जो बर्ड साइंटिस्ट थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, वो 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो जाबिर हुसैन ने उन्हें याद करते हुए उनका एक व्यक्ति चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है, तो उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो इस गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो आप नोटिस कीजिए, क्या ये जो गद्य है, ये जो लिखा है, इसमें हिंदी और उर्दू के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो सुनहरे मतलब गोल्डन, परिंदे मतलब पक्षी, तो उनके जो जो गोल्डन कलर के जो बर्ड्स हैं, गोल्डन कलर के जो पक्षी हैं, उनके जो खूबसूरत पंख हैं, उन पर सवार उनके सांवले सपने, मतलब कि थोड़े वीटिश कलर के जो सपने हैं, का एक हुजूम। हुजूम मतलब क्राउड, मतलब भीड़। तो उनका जो एक भीड़ है, वो मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो ये जो सपने हैं, जो खूबसूरत पंखों पर हैं, वो अब किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर, जाबिर हुसैन ने सालिम अली की जो आखिरी पल थे इस जीवन के, उसके बारे में लिखा है। तो वो लिखा है कि ये जो भीड़ भीड़ है, वो अब मौत की तरफ बढ़ रही है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जब जिसको जाने का समय आ चुका है तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। तो ये हुजूम का मतलब है भीड़। तो भीड़ में ये जो भीड़ है, जो मौत की तरफ चल रही है, उसमें आगे आगे कौन चल रहे हैं, चल रहे हैं सालिम अली। तो वो जो है, वो मत इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि सालिम अली की मौत अभी आने ही वाली है, वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल अब जी रहे हैं।
अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। तो सैनिकों की तरह वो अपने कंधों पर जो उनका अंतहीन सफर है, ऐसा जो सफर है जिसका कोई जो जिसका अंत ही नहीं हो सकता, जो खत्म ही नहीं हो सकता, उसका बोझ उठाए वो अब सैनिकों की तरह अपने कंधों पर चले जा रहे हैं। तो वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। तो ऑफ कोर्स ये जो जर्नी है उनकी, ये जो सफर है उनका, ये जो बाकी उनकी जर्नीज रही हैं उससे अलग है, क्योंकि ये जो है ये उनकी लास्ट जर्नी होगी, लास्ट सफर होगा उनका, और ये लास्ट यात्रा होगी, क्योंकि अब वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। तो उनकी जो जिंदगी रही है वो भीड़ भाड़ की रही है और तनाव के माहौल में रही है, तो उससे अब इनका जो ये है ये लास्ट माइग्रेशन है। तो ये लास्ट टाइम अब उस सब से दूर जा रहे हैं। अब तो वो इस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। तो जैसा कि हमने बताया आपको शुरू में कि सालिम अली जो थे वो पक्षी वैज्ञानिक थे, वो बर्ड साइंटिस्ट थे, तो इसीलिए जाबिर हुसैन ने उनके बारे में बताते हुए उन्हें एक वन पक्षी की से कंपेयर किया है और कहा है कि अब तो वो वन पक्षी की तरह, जो फॉरेस्ट में मिलने वाले बर्ड्स की तरह, वनों में मिलने वाले जंगलों में मिलने वाले पक्षियों की तरह, अब वो नेचर में, प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, प्रकृति में ही जाकर मिल रहे हैं। तो वो उस तरह से दिखने लगे हैं जैसे ये वन पक्षी अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाकर मौत की गोद में जा बसा हो, तो वो उस जैसे दिखने लगे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो अगर कोई चाहे भी तो हो कोई चाहे भी तो अगर वो अपने दिल की धड़कन भी उसे दे दे और अपने जो जिस्म की हरारत, मतलब जो हमारा शरीर चलता फिरता रहता है, अगर कोई चाहे तो वो देना भी चाहे तो भी ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि वो पक्षी माने कि इधर सालिम अली वो अपने सपनों के गीत दोबारा गा सकें, क्योंकि वो अब मौत के पथ पर अग्रसर हैं, क्योंकि अब वो जल्द ही मरने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ये सोए हुए पक्षी, मतलब सालिम अली को कोई जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो फिर वो ये भी बताते हैं कि सालिम अली ने वर्षों पूर्व क्या कहा था, सालों पहले सालिम अली ने ये कहा था जाबिर हुसैन से कि लोगों की ये भूल है कि वो पक्षियों को, जंगलों को, पहाड़ों को, झरनों को, आबशारों को, आबशार मतलब अगेन झरने, वो जल के स्रोतों को वो प्रकृति की नजर से नहीं देखना चाहते। वो ये नहीं देखना चाहते कि ये खुद में प्रकृति की एक देन है और इनकी खुद की एक जिंदगी है, बल्कि वो आदमी की नजरों से देखना चाहते हैं। वो अपनी नजरों से देखना चाहते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा होना चाहिए, जंगलों को ऐसा होना चाहिए, पहाड़ों को ऐसा होना चाहिए। तो वो ये बातें वो बताते हैं। तो इसी जो ये जो आपका गद्यांश दिया गया है इसी पर बेस्ड अब आपके क्वेश्चंस हैं। तो आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हुजूम में सबसे आगे आगे कौन चल रहा था? ये सिंपल आंसर है इसका, वो आंसर है हुजूम में सबसे आगे सालिम अली चल रहे थे। अब चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। आपका दूसरा प्रश्न कहता है, सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो गए? तो ये भी बहुत सिंपल आंसर है, ये जैसा कि मैंने आपको गद्यांश में यहाँ बताया। तो सालिम अली वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए। तो जाबिर हुसैन ने यहाँ पर सालिम अली को वन पक्षी से कंपेयर किया है, उनकी तुलना वन पक्षी से की है और कहा है कि जैसे वन पक्षी मौत की गोद में सोने के बाद प्रकृति में खो जाते हैं, प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं, उसी तरह सालिम अली भी वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए। अब चलते हैं आपके प्रश्न तीन पर। प्रश्न तीन आपका कहता है, सालिम अली के अनुसार लोगों की भूल क्या है?
तो अगेन आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमने डिस्क्रिप्शन में समझाया था कि सालिम अली के अनुसार लोगों की भूल है कि लोग पक्षियों, जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। वो इनको इसी नज़र से देखना चाहते हैं जिस तरह से उनका वो यूज़ कर सके, तो उनको वो अपने आप में एक इंडिविजुअलिटी नहीं देना चाहते हैं बल्कि वो ये देखना चाहते हैं कि ये मेरे किस काम आ सकता है। प्रश्न चार है, वह वन पक्षी दोबारा गीत क्यों नहीं गा पाएगा? यहाँ पर वन पक्षी से इसमें जाबिर हुसैन का मतलब है कि सालिम अली, तो उन्होंने जैसे सालिम अली को वन पक्षी से कंपेयर किया है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि वह वन पक्षी दोबारा गीत इसलिए नहीं गा पाएगा क्योंकि वह और उसके सपने मौत की गोद में जा बसे हैं। तो साथ ही साथ अगर हमने आपको डिस्क्रिप्शन में समझाया था कि अगर हम उन्हें जिस्म की हरारत भी दे दें या दिल की धड़कन भी देकर लौटाना चाहें तो भी वो नहीं लौट सकते हैं क्योंकि उनके सपने भी मर चुके हैं, उनके सपने भी मौत की गोद में जा बसे हैं और साथ ही वो भी अब मौत की तरफ अग्रसर हैं। अब चलते हैं आपके प्रश्न पांच की तरफ। प्रश्न पांच है आपका, ये एक गतिविधि है जिसमें आपको अपने आसपास के किसी पक्षी के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसके बारे में लगभग 100 शब्दों में लिखना है। तो हमने भी यहाँ पर एक आम पक्षी चिड़िया के बारे में यहाँ पर लिखा है, जानकारी यहाँ पर ढूंढकर लिखी है हमें। तो जरूर ही आपने अपने घर के आसपास चिड़िया को देखा होगा, तो आप चाहें तो आप सैंपल आंसर से आइडियाज लेकर इसमें से भी 100 शब्द लिख सकते हैं अपने शब्दों में, और चाहें तो आप किसी और पक्षी के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि तोते के बारे में लिख सकते हैं जो अपने आसपास आपने देखे होंगे, या कौवा आपने अपने आसपास देखा होगा आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो कोई भी पक्षी आप चाहें तो उसके बारे में आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं इस आंसर में। उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही वर्कशीट हम अपलोड करें आपको इमीडिएटली पता चल जाए। आज के लिए इस वर्कशीट में इतना ही है। थैंक यू।